अभी तो पीछे ही आ रही थी, कहाँ चली गई अभी? गुरु, बेताल की तरह पीछे पड़ी हुई है, लगता है आज मुझे खा के ही छोड़ेगी। लगता है कल ऑफिस से मेरी भी फोटो फ्रेम में टंग जाएगी। भगवान, कैसे बचूं, कहाँ छिपूं, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये आवाज मैंने कहीं सुनी हुई है, पक्का आज मेरी समाधि पक्का बनने वाली है। हे भगवान, ये साउंड कहां से आ रहा है? अरे बाप रे, अरे बाप रे, देख लिया इसने, आ गए, आ गया, आ जाओ, नहीं आऊंगा। अरे ये तो उठ गई। चूड़िया मैंने बहुत दिनों बाद पहनी है, अच्छी है ना? अच्छी है, अच्छी है ना? सुपर लग रही हो तुम। और मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ। ये भी बहुत अच्छी है, सुपर है। ये तो मेरे पास ही आ रही है। मैं बहुत, तू बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी। फिर मेरा खून क्यों किया तूने? अरे बाप रे, अरे ये तो मुझे बजा रही है बैंड की तरह। ये तो नागमणी की गेटअप में थी, अभी कल्पना के गेटअप में कैसे आ गई? अब मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये क्या हो, मैं तो डर के मारे घबरा। ये क्या हो गया, गीला हो गया मैं तो। इतना कांप क्यों रहा है तू? कांपूंगा ना, नीचे से गीला हो गया हूँ मैं। रात में अकेले मिली तो तूने सुसु कर दी, मेरा खून कैसे किया? ए, माँ कसम कहता हूँ मैं तुमसे, सुबह ऑफिस में 7 बजे से हूँ, मैं खून कैसे कर दूंगा? दीदी मैंने खून नहीं किया। रात को 12 बजे मैं मिली तो मेरा खून कर दिया और अभी इनकार कर रहा है? अभी बताती हूँ तुझे। अरे बाप रे, मुझे मत मारो, भागो। अरे बाप रे, बॉडी सारी दुख रही है मेरी, ही बहुत मारा है इसने। यही आ रही है क्या? लगता है आज मेरी कहानी खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचा सकता मुझे। चिल्ला 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 और चिल्ला। ये क्या, इस टाइम पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई कबूतर को प्यार से बुला रहा हो। चिल्ला 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 चिल्ला। ये
शिवलिंग का अवतार हो गई अब तो। अरे दीदी, मुझे मारने के लिए तुम कितने अवतार लोगी दीदी? जब जब भी तुम वेश बदलती हो मेरा लूज मोशन हो जाता है, सब गड़बड़ हो जाता है दीदी, क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। चुप साले, यहाँ ये तो गाली दे रही है। इधर आ। आऊंगा, मारोगी तो नहीं? कहा ना, इधर आ। कुछ तो होने वाला है, आ गया मैं। तुझे बिरयानी बनाने आती है क्या? बिरयानी ठीक से खा नहीं पाता मैं, अब बनाऊंगा कहाँ से? माते, मैं प्योर वेज हूँ। मेरा खून क्यों किया? अरे तुम्हारा खून मैंने नहीं किया माते, जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है मैंने माते, तुम्हारा खून कैसे करूँगा मैं? चुप! बैठ जा। बैठने के लिए बोला, बहुत बहुत धन्यवाद। कहा ना, बैठ जा। बैठने तो जा रहा था लेकिन इस गेट ट्रैप में। लेकिन दीदी, अगर मैं बैठ गया ना गलती से तो बॉक्स ओपन हो जाएगा और सब कुछ बाहर आ जाएगा दीदी, क्या करूँगा? तू कुछ भी करेगा क्या? बिल्कुल करूँगा मैं। तो नाचो। ठीक है, निकलता हूँ। मैंने कहा ना, नाचो। नाचू इस गेटअप में दीदी? कसम से मुझे नाचना नहीं आता। तुझे नाचना नहीं आता? मैं सिखाती हूँ। नहीं नहीं, आता है मुझे, मैं करता हूँ, आप बैठो। नाच के दिखा। ढक टिकी टुकू टुकू टकर टुकू टुकू टका, क्या नसीब है मेरा, सब लोग मुझे नचा रहे हैं इस ड्रेस में, ये माता जी मुझे नचा रही हैं ड्रेस में। तुझे नौ रस पता है क्या? रस के? अरे बॉडी का रस निकल गया है मेरे दीदी, रस कहाँ पता चलेगा मुझे, अरे मेरा रस निकाल दिया। तुझे नौ रस नहीं आता? आता है मुझे, नौ रस आता है मुझे, सारे रस दिखाऊंगा, एक एक रस करके आपको दिखाऊंगा, अभी दिखाता हूँ आपको। बोलिए। श्रृंगार कर। करुणा। तुझ में इतना करुणा है, फिर तूने मेरा खून क्यों किया? अरे माता जी, मैंने कहा आपका खून किया, क्यों मार रही है आप मुझे? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? अलग अलग गेटअप में आकर मुझे डिजाइन डिजाइन से मार रही है, ये सच में मेरी ऐश्वर्या है क्या? इसका पैर है कि नहीं ये चेक करते हैं। मैं नीचे झुक करके देखता हूँ। इसका पैर तो है और सीधा भी है, ये पक्का ऐश्वर्या है। अरे रे रे, ये तो फिर मुझसे ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चुड़ैल, चुड़ैल, मैं इतनी देर से मार खा रहा था इस चुड़ैल के हाथों से। पहले यहाँ से भागना होगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा नाराज हो जाएंगे, क्या करूं? भागो। भगवान,
ऐसी जिंदगी कैबरे डांसर को भी मत देना, पागल की तरह मार कर ये मुझे। अरे बाप रे चुड़ैल, हे मम्मी। आ, नहीं नहीं मुझे मत मारना, नहीं मुझे मत मारो, मर जाऊंगा। हे मम्मी, अरे बाप रे, मम्मी मम्मी मम्मी, अरे बाप रे, छुपने के लिए एक जगह तो मिली मुझे, यहाँ नहीं आएगी तो अच्छा रहेगा है भगवान। कौन सी जगह पे हूँ मैं? ये तो टॉयलेट है, लेकिन अब क्या करूँ, छिपने के लिए जगह मिली यही बहुत है। ये अच्छा है, यहाँ कोई नहीं आएगा। अरे भगवान, टॉयलेट देखते ही टॉयलेट आ गया। अरे बाप रे, चलो कर ही लेता हूँ। मैं तो फिर से नंगा हो गया। सर, सारे लाइट्स भी आ रहे हैं। अरे बाप रे, मैं तो खुद ही अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, बहुत अंधेरा हो गया है। क्या करूँ अभी, कुछ तो मिल जाए। अरे लाइट तो बंद ही रखनी पड़ेगी। क्या करूँ, पहले दो नंबर कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसे ही अच्छा रहेगा मेरे लिए। बहुत डर लग रहा है उस भूतनी से। अरे बाप रे, अब जाके हिम्मत आई। ये तो चड्डी ने स्कर्ट है, अंधेरे में पता नहीं क्या पहन लिया मैंने। चलो कोई बात नहीं, कुछ तो हुआ। अरे बाप रे, कुछ तो संतुष्टि मिली। अरे रे, पानी नहीं आ रहा है, अब धोऊंगा कैसे? अरे बाप रे, अब क्या करूं मैं, ये तो दोहरी मुसीबत आ गई। इसको बंद कर देता हूँ ताकि महक ना आए। ये है अच्छा, पोछ लेता हूँ इसी से, मैं बढ़िया हो जाएगा मेरे लिए। अरे बाप रे, ये सही है। सेंसर, हाँ पेट तो खाली हुआ। दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं तो वो यहाँ आ जाएगी और मुझे बहुत तकलीफ देगी, फिर मैं क्या करूंगा? माता जी अगर इधर आ गई ना तो पता नहीं और क्या क्या करवाएगी। हे भगवान, एक काम करता हूँ, इसे बंद करके रखता हूँ। हाँ, अब क्या करूँ? अरे बाप रे, एक तरफ गर्मी, दूसरी तरफ स्मेल आ रही है। थू, एसी रूम में होना चाहिए था, यहाँ टॉयलेट में बंद हो, क्या करूँ? ये कैसा साउंड आ रहा है, यहाँ भी आ गई क्या, फिर से शुरू हो गई वो। ये तो उसी पंडित की आवाज लग रही है। हे भगवान, अब तो मुझे बचकर रहना पड़ेगा, अब क्या करूं मैं, क्या करूं? सबसे पहले दरवाजा ठीक से बंद कर देता हूँ। अब ठीक है, हे भगवान, अब यहाँ पर नहीं आएगी। और क्या हो सकता है? खिड़की यहाँ पर है। अरे वाह, यहाँ पे सीढ़ी भी है। ये काम अच्छा हो गया, इसको लगा कर चढ़ जाता हूँ मैं। आइए, देखता हूँ बाहर कौन है। डाकनी, अरे बाप रे मम्मी, ये तो यहाँ पे नाच रही है। अरे तुझे क्या हो गया, तू बोल तो सही। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंसी हूँ डैडी। अरे रे रे रे, ये तो पूरी फैमिली लेकर के आ गई यहाँ पर, अब क्या करूँ? क्या हो गया रे डाकनी, बोल तो सही। डैडी, उसने मुझे बुलाया और वो कोई मंत्र नहीं बोल रहा है। मुझे भूख लग रही है, मुझे गर्म खून पीना है। गरम खून? अरे तेरी तो ये तो कॉफी की जगह खून मांग रही है मुझसे। मुझे चाहिए डैडी। यार बज
भेजने से पहले तो खून पी लेना। अगर तूने खून नहीं पिया तो हमारे क्षुद्र लोक की इज्जत चली जाएगी। क्षुद्र लोक बोल रहा है, क्षुद्र लोक, क्षुद्र लोक। देख तू आएगी कहकर हम सारे घर वाले इंतजार कर रहे हैं। देख तू आधे घंटे में तू इसके मुंह से एक मंत्र बुलवा लेगी, ये काफी है। तो उससे कैसे भी मंत्र बुलवा ले, फिर तू किसी का भी खून पी सकती है। समझ गई ना, तू मेरी बेटी है, मेरी बेटी। ठीक है डैडी, उसके बाहर आने का इंतजार कर रही हूँ मैं। किसी का भी खून पी सकती है तुम्हारी, तो अभी बताता हूँ। मंत्र बोलूंगा जब मैं, तभी खून पिएगी ना। मैं मंत्र बोलूंगा ही नहीं, देखता हूँ क्या करती है तू। हाँ सुन, अभी वो कहाँ पर है? वो बाथरूम के अंदर है डैडी। मैं यहाँ पर हूँ, ये बात उसे कैसे पता चली? अरे रे 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 रे, अगर मुझे इस अवतार में देख लिया तो ये मेरे खून के साथ साथ और पता नहीं क्या क्या मांगेगी मुझसे। अरे जब तुझे पता है कि वो कहाँ पर है तो तू चुप क्यों बैठी है? जा, कैसे भी करके उसके मुंह से मंत्र बुलवा। मैं नहीं जाऊंगी। क्या हुआ? उसने बाथरूम किया है डैडी, और मैंने पानी रोक दिया है। अरे तो पानी तुमने रोका है? अरे बाप रे, तो ये तेरी करतूत थी। तो बाहर क्यों घूम रही है? उसे बाहर निकालना। वो बाहर नहीं आ रहा है डैडी, इंतजार कर रही हूँ। सुन, तू एक काम कर, दो मिनट के लिए उसका वेट कर। अगर इतने में वो नहीं आया तो तू हमारे बंकर देश का जो भूत है ना, उस भूत की पूरी स्टोरी जाकर उसको सुना दे। अगर वो भूत आ गया तो में भी अंडरस्टैंडिंग होती है, अपने आप खुल जाएगा। डैडी मैं नहीं करूंगी। क्या हुआ? साला कमीना है, मैं कब से देख रही हूँ, जब देखो तब वो मेरे पर लाइन निकाल रहा था, इसलिए मैं उसे बाथरूम में बंद करके रखी हूँ, और मैंने कुर्सी बाहर से लगा दी है। अब मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। ऐसा मत करना बेटी, अगर हम लोग भूत हैं तो हमारे लिए शत्रु नहीं है, वो भी हमारे ही आदमी है। दोस्त, उनको कोई तकलीफ हुई तो हम जाते हैं, हमें कोई तकलीफ होगी तो वो आते हैं। तुम दोनों को उसने साथ में बुलाया है ना, उसे ऐसा मत छोड़ना। उसके अंदर जो खून है उसे पी लेना। खून मम्मी। वो बाहर नहीं आ रहा है डैडी। मेरी बात सुन, तू रो मत, तेरे बदले मैं उससे बात करता हूँ, उससे तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक मिनट बाहर ही रुकना। अगर वो बाहर आ गया ना तो उसे बंधन मुक्त करने के लिए कहता हूँ, अगर वो आ गई ना तो ये अपने आप बाहर आ जाएगा। अरे बाप रे, अभी जो हुआ वो काफी नहीं था क्या? और कुछ होना है? अरे बाप रे, अब इस बॉडी को मैं नहीं बचा सकता, अब ये गया ऊपर, अब यही होगा। लेकिन उससे तो अच्छी यही लग रही है, कैसे भी करके दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं। मैं मंत्र बोलूंगा तभी तो वो खून पिएगी ना। मैं मंत्र बोलूंगा ही नहीं, उन दोनों को आने से पहले मुझे कैसे भी करके यहाँ से भागना ही होगा। अब क्या करूँ, क्या करूँ? भूतों के जंगल में फंस गया हूँ, बचा लेना भगवान। हे भगवान, सहायता करना मेरी। देख देख, वो बाहर आ रहा है, अपना काम शुरू कर। ये क्या, ये नाच क्यों रही है? अब क्या हो गया इसे? हे भगवान, वो बाहर आ गया। ये नाच क्यों रही है? ये तो खुश लग रही है मुझे देख करके। डैडी वो बाहर आ गया, वो आ गया डैडी। अरे सुन, ऐसे नाचने गाने में समय मत बिता, वो वापस चला जाए, उससे पहले उसे अपनी तरफ खींच। अब मैं क्या करूँ? अरे बाप रे, अरे बाप रे, नहीं। सुन, अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं, कैसे भी करके उसे तकलीफ दे, जो करना है जल्दी कर। लेकिन मुर्गे के बांग देने से पहले उसके मुंह से मंत्र बुलवा ले, अगर मुर्गा बोल गया ना तो तू वहाँ पर नहीं रुक पाएगी। मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, मैं नहीं बोलूंगा, तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं नहीं बोलूंगा। अरे चुपचाप खड़ी हो जा, पहले छोटी सी है और मुझे मंत्र बोलने के लिए बोल रही है। अरे तुझे तो मैं नहीं बोलूंगा, नहीं 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 बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं हाँ नहीं बोलूंगा, नहीं बोलूंगा, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं 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 नहीं। अरे अब क्या हो गया, आप क्यों रो रही है? ये मंत्र नहीं बोल रहा डैडी, हमारे डाक भाई को बुलाइए, वो आएगा तो इसका खून निकालेगा। क्या कर रही है ये? बता रही हूँ, नहीं बोला ना तो। अरे बाप रे, आई आहा।
अरे नाचने गाने में समय मत बिता, अगर वो मंत्र नहीं बोल रहा है तो उसे पूरी तरह घुमा के रख दे, वो डर कर खुद ही मंत्र बोल देगा। भाग लो। क्या हुआ? मंत्र बोल दो। नहीं बोलूंगा मैं, तुम जाओ यहाँ से। मंत्र बोलना पड़ेगा। नहीं 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 बोलूंगा। बेटी तुम ज्यादा चिंता मत कर, उसका गला पकड़ कर घुमा दे, गर गर करके वो डर कर मंत्र बोल देगा, समझ गई? जल्दी कर। नहीं बोलेगा। मैं नहीं बोलूंगा। मंत्र नहीं बोलेगा। अरे क्या कर रही है? अरे बाप रे। आप तो तू मंत्र बोल। नहीं बोलूंगा मंत्र। मंत्र बोल मैं कह रही हूँ। तू रूप बदल या डांस कर, मैं मंत्र नहीं बोलूंगा तो नहीं बोलूंगा। मंत्र बोल मैं आती हूँ। नहीं बोलूंगा मंत्र। नहीं बोलूंगा मैं। नहीं बोलूंगा। बेटी अभी तेरे पास रोने के लिए समय नहीं है, तेरे पास 2 ही मिनट बाकी है, तो उसके मुंह से मंत्र नहीं बुलवाएगी ना, वापस आ जा जल्दी कर। डैडी मैं नहीं आऊंगी, मुझे खून पीना है। काम कर, तूने जो बोला है उस मंत्र को वापस लेकर वहाँ से बंधन मुक्त होकर वापस आ जा। मुझे वो छोड़ना पड़ेगा, फिर से फिर किसी और के साथ मिलकर लाइन खींचना होगा। बेटी अगर वो आकर ज्यादा ऊंच नीच करेगी तो उसने जो बोला है वही मंत्र तू उल्टा बोल देना, वो वहीं पर कैद हो जाएगी, तू भागाना। अगर तू नहीं आएगी तो कैद हो जाएगी, वहीं पर रहना पड़ेगा, जल्दी से आ जाना। ये फंसाने की कोशिश किया ना तूने, अब देख मैं तुझे दिखाती हूँ। क्या कर रही है अभी? बहुत अच्छा है। अरे बाप रे। कौन जा रहा है? अरे 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 सुबह हो गई क्या? सब लोग ऑफिस में आ गए हैं? ए भगवान, मुझे इस हाल में देख करके क्या कहेंगे लोग, मेरी मान मर्यादा सब चली जाएगी। नंजप्पा रुक, मैं तुझे दिखाता हूं कैसी हालत में लेकर आ गया मुझे। अरे बाप रे, सब लोग आ गए हैं। लगता है सब लोग आ गए। रुक जा, आज तेरी क्लास लेता हूं मैं। नसीब अच्छा था कि देखा नहीं इसने मुझे, मेरी मेरी इज्जत चली जाएगी। और तू तू आराम से बैठा हुआ, तेरी तो मैं। सब लोग अपना काम कर रहे हैं। ये किधर है नंजप्पा? ए नंजप्पा, अबे तेरी वजह से मेरी इज्जत चली गई, देख मैं कैसी परिस्थिति में हूं। अरे ये मेरी तरह क्यों दिख रहा है? नंजप्पा कौन है ये? नंजप्पा कौन है ये? नंजप्पा ये सब क्या चक्कर है? ए अरे कौन हो तुम? नंजप्पा अरे ये क्या? अरे सुनो, अरे मेरी बात सुनाई नहीं दे रही क्या? ये क्या हुआ? मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है। नंजप्पा मेरी बात सुनो, सुन नहीं रहा है क्या तू? ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? नंजप्पा 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 हेलो हेलो मेरी बात सुनो, ये कौन है मुझे बताओ कौन है ये? हे नंजप्पा नंजप्पा हे नंजप भगवान हेलो हेलो म,
मैं विजय, हेलो ए नंजप्पा, ए ए कौन है तू? नंजप्पा अरे बाप रे, नंजप्पा ए कमीने सुनना। अबे क्या है यार? अरे यार मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लग रहा है यार। रात को दारू पीना कम कर दे, सब ठीक हो जाएगा। तू वैसा नहीं है बे। अबे देख तो जरा इधर। अरे यार विजय, तुझे भूत ने पकड़ लिया है। हे ये क्या यार, तू कुछ भी बोले जा रहा है, मुझे ऐसे थोड़े होता है। मैंने तुझसे पूछा और तू मुझे बस। दोस्त कल से तेरा चेहरा कुछ अलग ही दिख रहा है, समझा तू? अबे चुप हो जा वरना मार के तेरा चेहरा अलग कर दूंगा, कमीना कहीं का नंजप्पा। अबे सच में तेरे चेहरे पर भूत नजर आ रहा है मुझे। दोस्त सॉरी यार, कल मैंने तुझे बहुत डरा दिया था, उस डर की वजह से तेरे अंदर भूत आ गया है। मेरी बात पर भरोसा नहीं है ना? हाँ रुक, ये देख, अगर तुझे वो डाउट क्लियर करना है ये सीडी देख ले तू, सब पता चल जाएगा। अबे ये क्या कोई चैनल पे आने वाला गुरु है क्या? हाँ यार मैंने उनका क्लास अटेंड किया है, ये प्ले करते ही तुझे पता चल जाएगा। ठीक है मैं एक काम बोलूंगा करेगा। क्या है बोल। चुपचाप तू अपना काम कर, मारूंगा बस, बकवास करता रहता है बस। थू मैं भी किसे बोल रहा हूँ, बेवकूफ कहीं का। ए चुपचाप काम कर वरना खाएगा मुझसे एक। अच्छा बोलने गया था तो तू मारने पर ही तुल गया। ओ खाने का टाइम हो गया, खाने के लिए भी हमेशा फर्स्ट रहती है तू। ए विजय लंच टाइम हो गया, चल खाना खाने चलते हैं। ऐसा क्या है इसमें, देखते हैं। गुरुजी आत्माएं इंसान के शरीर में आ जाती है, उसके लिए कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? बिल्कुल है, आत्माएं जब इंसान के शरीर में आती हैं और उनके शरीर से बाहर आने के लिए एक वैज्ञानिक कारण ही तो है। आत्मा मतलब इंसान के शरीर में सबसे कम उष्णता में रहने वाली एक सूक्ष्म शक्ति है। ये शक्ति शरीर के बाहर नहीं आना चाहिए, इसीलिए हमारे शरीर के अगल बगल में रहने वाला सूक्ष्म शरीर बीच में आएगा। इस सूक्ष्म शरीर को हम लोग मानसिक या भावनात्मक शरीर कहते हैं। किसी भी एक संदर्भ में इंसान मानसिक रूप से जब ज्यादा डर जाता है तो आत्मा ज्यादा ही दुखी हो जाती है। ये सूक्ष्म शरीर अपनी शक्तियों को खो देती है और वैसे समय में आत्माएं इंसान के शरीर से बाहर आ जाती हैं। और ये आत्मा का अगर शरीर से बाहर आने का कारण है तो दूसरी आत्माएं भी हमारे शरीर में आने के लिए यही कारण है। इसके बारे में विस्तार से बताइए गुरुजी। कभी कभी ऐसा होता है कि अतृप्त इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा ऐसे सूक्ष्म शरीरों में नहीं जा सकती। जब ऐसा होता है तो आत्मा अपनी समृद्धि ज्यादा नहीं कर पाती, इसी से उतना ही रहती है। इसी वजह से ये आत्माएं हमारा लोक छोड़कर दूसरे लोक में नहीं जा सकती और तभी वो यहीं पर रह जाती है। ऐसी आत्माओं को ही हम लोग प्रेत आत्मा कहते हैं। ये शरीर के अंदर कैसे प्रवेश करते हैं गुरुजी? ऐसी प्रेत आत्माएं मैं अभी तक जिंदा हूँ इसी भ्रम में रहती हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसी इच्छा में जीती रहती हैं। लेकिन उनके पास बौद्धिक शरीर नहीं होता है, इसीलिए धरती पर रहने वाली किसी चीज का अनुभव नहीं कर पाती। जब उन आत्माओं को अपनी इच्छा पूरी करने को नहीं मिलता है तभी वो ऐसी कोई जगह ढूंढती रहती हैं और वो जगह है इंसान का शरीर। उस शरीर पर वो कब्जा कर लेती हैं। जिस व्यक्ति का दिल कमजोर रहता है
ऐसे व्यक्तियों को ये प्रेत आत्माएं छोटे मोटे और विचित्र घटनाओं से डराकर उनके सूक्ष्म शरीर के बल को कम करके उस व्यक्ति के दिल में घुसकर उसके शरीर पर अपना कब्जा कर लेती हैं। उसके बाद उस व्यक्ति के शरीर द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरी करती रहती हैं। और ऐसे ही समय में हम इंसान के अंदर बदलाव देख पाते हैं। उसका दिल उसके नियंत्रण में नहीं रहता है और वो विचित्र बर्ताव करने लगता है, अजीब अजीब से काम करता है। तो ऐसे शरीरों में आत्माएं घुसकर बहुत समस्या खड़ी करती हैं। उदाहरण के लिए आत्माएं अपने शरीर से बाहर आकर वो एक भ्रम बनकर अलग तरह से बर्ताव करना और अलग अलग घटनाएं सीसीटीवी में कैद हो गई हैं। ऐसा ही वीडियो मैं अभी दिखाता हूँ। सीसीटीवी कैमरा, इसमें कुछ ना कुछ रिकॉर्ड जरूर हुआ होगा। देखता हूँ। दरवाजे पर कुछ तो हो रहा है, देखते हैं। मेरे अंदर से ही गया ये तो अजीब सी बात है। मेरी आत्मा भी बाहर आ गई। वो क्या है, सुबह सुबह क्या हुआ देखते हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर वहाँ कौन है? मेरी आत्मा हर जगह घूम रही है। अरे ये तो मैं ही हूँ ना, हर जगह घूम रहा हूँ। मेरे पीछे एक आत्मा घूम रही है। अरे ये तो अजीब सा है, एक दूसरी आत्मा। ये मेरे पीछे क्यों पड़ी है देखते हैं, कुछ तो पता चलेगा, कोई तो वजह जरूर होगी। स्टाफ मेंबर्स, कृपया करके सब लोग मीटिंग हॉल में पहुंचिए। ओ ओ ओहो, सभी लोग यहां पर आ चुके हैं। क्या बोलूं मैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। हाय 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 सर। ये बात सबको पता है, ऐश्वर्या आप नहीं रही। कल रात उसका कत्ल हो गया है। हमारी कंपनी की एक अच्छी वर्कर खोने के लिए हमें बहुत दुख हो रहा है। हमारे साथ काम करने वाली ऐश्वर्या की आत्मा को शांति मिले, इसीलिए एक मिनट का मौन रखेंगे प्लीज। थैंक यू। कल कंपनी में एक दिन की छुट्टी रहेगी, अब आप लोग जा सकते हैं। मुझे जो अनुभव हुआ, मेरे शरीर में जो आत्मा घुसी और मेरे हाथों से जो ऐश्वर्या का कत्ल हुआ, ये सब
ये सब बहुत अजीब सा है। ये सच है या भ्रम मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा उस आत्मा का और आयसु के साथ कोई संबंध है क्या? नंजप्पा ने कहा कि मेरी आंखों में भूत दिख रहा है, देखते हैं। कुछ तो नहीं है। ये पीछे सफेद छाया कौन सी है? क्या कर रहा है? अरे रुको सर, अभी तक हीरो नहीं बना हूं मैं, अभी तक तो सीरियल ही कर रहा हूं। अरे क्या हुआ, एक्टिंग तो कर रहा है ना, आप जैसे लोग मिलेंगे तो शायद हीरो बन जाऊंगा सर मैं। तुम्हारे साथ एक फिल्म करूंगा मैं। क्या बोला सर? मैंने कहा तुम्हारे साथ एक फिल्म करना चाहता हूं। मेरे लिए आप ही भगवान हो सर। अरे यहाँ क्यों बैठे हैं सर आप? चलिए फिल्म शुरू करते हैं, चलिए। कभी कभी छोटी छोटी मजाक में की हुई बातें बड़ी बड़ी प्रेरणा बन जाती हैं। ये जो सिनेमा आपने देखा, ये भी ऐसे ही एक छोटे से मजाक से शुरू हुआ था।